बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि सेकुलर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फैंसी ड्रेस से फुर्सत ही नहीं है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेक्युलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से मुआवजा देने की मांग भी उठाई। यकीनन ये प्री प्लान था, जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशा ही बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते, तो ये बात है। बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मजे से मजे ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए। वहीं ओवैसी के ट्वीट और बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई। जेडीयू और आरजेडी ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हमारे नेता ने किसी को भी धर्म के चश्मे से नहीं देखा है। बिहार में क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई भी गलत करेगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सासाराम या बिहार शरीफ की घटना हो, लगातार कार्रवाई की जा रही, गिरफ्तारियां हो रही हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से आने वाले लोग क्यों ना हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने बयानों से वो साबित करते हैं कि किसी खास समाज को पोलराइज करने के लिए, खुश करने के लिए वो बयान देते हैं। असल में ये लोग भाजपा की बी टीम है, जो भाजपा के इशारे पर ही इस तरह के बयान देते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। समाज में जहर फैलाना इन लोगों की प्राथमिकता है। बहुत ही शर्मनाक सोच है, बयान है। अगर वो किसी के जो एक हर एक धर्म के अपना ड्रेस होता है, हर धर्म में कुछ पारंपरिक ड्रेसेस हैं जिसका कि हमें सम्मान करना चाहिए। अगर किसी ने हिंदू होकर के अगर मुस्लिम की पारंपरिक टोपी पहन ली तो वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया। अगर किसी हिंदू की कोई पर्टिकुलर कोई ड्रेस है वो अगर किसी ने मुस्लिम ने पहन ली तो वो ये फैंसी ड्रेस हो गया। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि सभी धर्म को, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा है और यहाँ पे सभी धर्म को अपना अपना सेलिब्रेशन और ये सब कुछ करने का अधिकार है। आप देखते होंगे कि जब दशहरा पूजा होती है, दुर्गा माँ की प्रतिमा मिठाई जाती है, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी वो दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये एक खूबसूरत वक्त होता है कि एक दूसरे के परिधान को हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटाक्ष करना कि ये फैंसी ड्रेस, ये कहीं ना कहीं से जो हमारी पारंपरिक परिधान है, जो जो धर्म, अलग अलग धर्म के लोग उस परिधान को पहनते हैं, उसको फैंसी ड्रेस का पार्ट बताना बहुत ही शर्मनाक और छोटी मानसिकता को दिखाता है। वहीं ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने भी पलटवार करते हुए आरजेडी और जेडीयू पर तंज कसा। तेजस्वी यादव जी, आपको भी बोलना है कि आपके पिताजी जाते थे तो दंगा रुकता था, लेकिन आप ट्वीट से सिर्फ काम चला रहे हैं, तो आवाम भी फिर ट्वीट से आपका काम चलाएगी। और नीतीश जी, आप जो अपने रोल में थे उस रोल में फिर से आइए। आपको बिहार की जनता ने हमें 17 साल 18 साल से मुख्यमंत्री 8-8 बार बनाया, आप में कुछ बात थी इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया। जो आपने प्रशासनिक कार्यशैली थी फिर से लाइए। अफसरों को बताइए कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ, उस पर कार्रवाई कीजिए। जाइए बिहार शरीफ, जाइए ससराम, लोगों से एक पीस कमिटी मीटिंग कराइए। बहरहाल ओवैसी के फैंसी ड्रेस और खजूर वाले बयान पर अभी राजनीति और तेज होने की उम्मीद है। पटना से निकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।